हेलो एवरीवन, दिस इज़ तलविंदर सिंह, योर आयल्स ट्रेनर। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल आयल्स विद डीएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट आयल्स टेस्ट ऑफ 8 मई 2021। जो 8 मई को आपका आयल्स का टेस्ट था, उसका जो स्टेटस है उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको ऑल द रीसेंट अपडेट्स अबाउट आयल्स स्पीकिंग, योर क्यू कार्ड्स, ऑल द न्यू क्यू कार्ड्स, ये सभी आपको मैं इस चैनल के जरिए ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड जो आपकी नई क्यू कार्ड की बुकलेट है वो अराउंड 8 मई को आपके पास पहुँच जाएगी। इस चैनल पे ही मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो में बताऊँगा कितने क्यू कार्ड नए ऐड हुए हैं, टोटल कितने क्यू कार्ड हैं, एंड आप क्यू कार्ड की जो PDF कॉपी है, बुकलेट होती है, वो कैसे ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो। एंड मैं आपको यूनिक आइडियाज़ भी हर एक क्यू कार्ड के इसी चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहे तो पिछली वीडियोस देख सकते हो, एंड वो सभी सैम्पल 7+ बैंड स्कोर्स हैं। सो टू कीप मी मोटिवेटेड एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड गुड मटेरियल अबाउट आयल्स, प्लीज़ बी सब्सक्राइब्ड हियर एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ 8 मई 2021। सो ये जो टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली कैंसल ही हो रहा है। मेरे 3 स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी मेल आ चुकी है, पंजाब में ही थे वो, एक बठिंडा में था, एक पटियाला में और एक शायद अमृतसर में। तो एक को तो वेन्यू की डिटेल आ गई थी पहले, बट वो जो है सभी कैंसिल हो चुका है। अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने फिर एक बार लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक के जरिए आप अपनी नेक्स्ट डेट जो है चूज़ कर सकते हो। तो मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि आप मई की डेट आपने चूज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा है, एंड मई में तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरी खुद की प्रेडिक्शन ये है कि कोई भी टेस्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, दे डो नॉट वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। सो मई में तो आप भूल जाओ, मुझे लगता नहीं है कि जून में भी होगा। हो सकता है मिड जून के बाद जो है आपके आयल्स टेस्ट दोबारा से रिज्यूम हो जाएं, बट उससे पहले मुझे नहीं लगता। तो 8 मई का जो आपका टेस्ट था वो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल ही है। जिनके पास ईमेल पहुंच गई है, अपना प्रिपेयर उस हिसाब से रहो, एंड जिनके पास ईमेल नहीं पहुंची है वो आपके पास ईमेल आ जाएगी। एंड एक नोटिफिकेशन के जरिए मुझे ये भी पता चला है कि ये जो आपकी ईमेल है कैंसिलेशन की, वो एक 24 घंटे पहले भी आ सकती है, एक दिन पहले भी, 6-7 घंटे पहले भी आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी चल रहे हैं। उनको कुछ ये नहीं मिल रहा है कि डेफिनेटली वो टेस्ट ले सकते हैं नहीं ले सकते, इसलिए क्या हो रहा है कि सब कुछ कैंसिल हो रहा है, एंड ऑन टाइम दे विल डिस्ट्रीब्यूट द ईमेल्स। सो आपको ये वेट नहीं करना है कि आपकी ईमेल आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपकी ईमेल नहीं आती है, कोई भी ईमेल नहीं आती आपकी, तो आप ये देखो आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई या नहीं। एक्नॉलेजमेंट आ रही है तो ठीक है, अपनी टेस्ट देने जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ। और दूसरी बात ये, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक करते रहो, और आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल की साइट पे, इन दोनों चीज़ों को चेक करते रहो। ये ही दो ऑथेंटिक सोर्स है आपको पता लगाने के कि आपका टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। तो अभी जो 8th वाला एग्ज़ाम था वो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल ही है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। If you have any other doubt, you can mention in the comment section. That was all from my side. Thank you for watching. Goodbye.